हे एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी और आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पूरा ये चैप्टर अगेन एनसीईआरटी से ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से ये काम करता है। ठीक है, छोटे मोटे प्रोडक्शन की हम बात नहीं करते। बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोफार्मा दोनों को मिला दिया है, एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज करता है, फंजाई वगैरह का भी, माइक्रोब्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमीडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब कौन से तीन रिसर्च एरियाज हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनके ऊपर मोस्टली रिसर्च की गई थी बायोटेक्नोलॉजी की? सबसे ऊपर, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, सबसे पहली चीज कैटलिस्ट, सबसे अच्छा कैटलिस्ट जो हो सकता है उसको प्रोवाइड करना। अब बेस्ट कैटलिस्ट यूजुअली किसके फॉर्म में होता है? यूजुअली ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, माइक्रोब या फिर एंजाइम। सेकेंड है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस बना के देना थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट अपॉन। पहली चीज तो हमने देख लिया, कैटलिस्ट बनाना। दूसरी चीज, एक ऐसा ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना जिसके ऊपर वो कैटलिस्ट काम कर सके। तीसरी चीज, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्योरीफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना जिससे कि हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई कर सकें। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर के बेसिस में कौन सी तीन चीजें हैं जिनसे फूड प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रोकेमिकल बेस्ड मतलब केमिकल्स यूज करना। सेकंड चीज है ऑर्गेनिक, जो सबसे अच्छा माना जाता है कि ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं होते। और तीसरे नंबर पे होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले या तो तुम केमिकल यूज करो या फिर केमिकल यूज मत करो, या फिर तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ये चीज वो नीट में पूछ सकते हैं एसर्शन रीजन में। ठीक है, बोल देंगे डबल किया था और ट्रिपल किया था, ऐसे वर्ड प्ले कर सकते हैं। तो याद रखना, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू लीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो हैवी यूसेज ऑफ एग्रोकेमिकल्स हुआ था उस समय में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का हैवी यूसेज हुआ था। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। तो जो वैसी कंट्रीज होती है जो फाइनेंशियली इतनी डेवलप्ड नहीं होती, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनके लिए यार यही सारे एग्रोकेमिकल्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब आप कन्वेंशनली ब्रीड कराते रहोगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी चीजें आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई जंप इन यील्ड्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ, अब वो पूछ रहे हैं, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। तो कुछ और तरीका हम यूज कर सकते हैं क्या? तो अब आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हूज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन्स को हमने मॉडिफाई किया है, जेनेटिकली मैनिपुलेट किया, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने क्या किया है, ये चीज अगेन नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के क्या यूजेस है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, बोर्ड्स में भी काफी पूछा गया था।
मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट। ठीक है, सबसे पहले तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो थे वो जो पहले इतना नहीं झेल पा रहे थे अब वो झेल पाते हैं। सेकेंड चीज, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, तो पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो हमारा रिलायंस था वो थोड़ा कम हो गया। तीसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट के बाद लॉस हो जाते थे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे, भले वो स्टोरेज की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो, उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करी। फिर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, मतलब मिनरल्स जो ऑलरेडी सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं, सॉइल में पड़े हुए हैं, उनको ज्यादा अच्छे से यूज कर पाता है पौधा। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बहुत ज्यादा लीच नहीं करता उन्हें, ठीक है, उनको ऐसे मैनेज और एफिशिएंसी के साथ यूज करता है कि जमीन की फर्टिलिटी जल्दी खराब नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है, जैसे वाइटामिन ए एनरिच राइस, वाइटामिन ए वाली राइस जैसे गोल्डन राइस कहते हैं, ये हमने बहुत बार देखी, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी हेल्पफुल होती है। इन एडिशन टू दीज, जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, टेलर मेड प्लांट बनाने लग गए, मतलब ऐसे पौधे जो एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो हम उनसे चाहते हैं। अगर हमें किसी चीज में स्टार्च ज्यादा चाहिए तो उसे पौधे को जेनेटिकली मॉडिफाई करके स्टार्च रिच्ड पौधा बना दिया। ठीक है, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, तो जितना पेस्टिसाइड पहले यूज हो रहा था उस अमाउंट को डिक्रीज करने में काफी हेल्पफुल है। बीटी टॉक्सिन की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, ठीक है, बीटी, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीटी फॉर शॉर्ट। ठीक है, बीटी टॉक्सिन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड इससे खत्म हो गई है। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड, तो बैसिलस थुरिंजिएनेसिस से हमने बायो पेस्टिसाइड बना लिया है। ठीक है, बायो मतलब बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, ऐसा पेस्टिसाइड जो नेचुरली बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, और ये राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एटसेट्रा, यहाँ पे हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब सबसे पहले आ जाते हैं बीटी कॉटन में। ठीक है, बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिएनेसिस produce protein that kills certain insects such as lepidopterans. Lepidopterans जैसे insects वगैरह को मारने में helpful होता है. Tobacco budworm, armyworm ये सब कह सकते हैं. Coleopterans, beetles and dipterans, flies and mosquitoes. तो lepidopterans हो गया, coleopterans हो गया and dipterans हो गया. ठीक है, इन तीन टाइप की चीजों को मारने में हेल्पफुल होता है। तो तुमसे एग्जाम्पल जो ब्रैकेट में बोला है ना, ये भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेपिडोप्टेरेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? तो टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मीवॉर्म। कोलियोप्टेरेंट्स का क्या है? बीटल्स। एंड डिप्टेरेंट्स का क्या है? फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। ठीक है, अब आ जाते हैं बी थुरिंजिएनेसिस, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स, वो ऐसे क्रिस्टल बनाता है, प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के एक फेज में प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इन सारे क्रिस्टल्स में एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो हेविली टॉक्सिक होता है इंसेक्ट्स के लिए। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, सही सवाल है, अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बैसिलस को क्यों नहीं मार रहा है? एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की तरह वो एग्जिस्ट करता है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल्स। मतलब ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन जो कि प्रीकर्सर है एक्टिव टॉक्सिन का, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाता है जिसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एल्कलाइन पीएच की जरूरत है। अब एल्कलाइन पीएच कहां से आएगा, इंसेक्ट के मिड गट के एल्कलाइन पीएच से आएगा। ठीक है, अब इंसानों में क्यों नहीं वर्क करता, क्योंकि हमें एल्कलाइन पीएच चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए। ठीक है, अब
विच सॉल्यूबलाइजेस द क्रिस्टल्स, ठीक है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू सरफेस ऑफ बिडगट एपिथेलियम ऑफ सेल्स, अगेन इंसेक्ट के बिडगट एपिथेलियल सेल से वो बाइट करेगा एंड क्रिएट पोर्स, पोर्स बनाता है दैट कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, ठीक है, तो वो पोर्स बनाएगा बिडगट से बाइट होके जो सेल स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस कर देंगे, इवेंचुअली कॉजेस डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए बैसिलस थोरिंजिनेसिस से डेथ कैसे हो जाती है इंसेक्ट की। बैसिलस थोरिंजिनेसिस सबसे पहले क्या करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने के लिए वो क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है, क्रिस्टल्स बनाएगा, प्रोटीन क्रिस्टल्स कहते हैं जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। ये एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ठीक है, इसको एक्टिव प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए, एल्कलाइन पीएच इंसेक्ट्स के पेट में इन्हें मिल जाता है, वहां से फिर वो बिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाते हैं, पोर्स बना देते हैं और इंसेक्ट मर जाता है, सेल स्वेलिंग सेल लाइसिस हो जाता है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरिंजिनेसिस, तो हमने क्या किया, बीटी टॉक्सिन की जो स्पेसिफिक जीन्स थी उनको आइसोलेट कर लिया बैसिलस थोरिंजिनेसिस से, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स, फिर उनको क्रॉप प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया सच एज कॉटन, ठीक है। चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, तो हमें कौन सा जीन लेना है वो क्रॉप और पेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अगेन नीट पे आ सकता है ये चीज, ये पूछ सकते हैं चॉइस ऑफ जीन्स किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो दो चीजों पे करेगी, एक क्रॉप पे करेगी और दूसरा टारगेटेड पेस्ट पे करेगी, है ना, टारगेटेड पेस्ट पे, तो इन दो चीजों पे डिपेंड कर सकता है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ज्यादातर बीटी टॉक्सिन जो होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करेंगे, तुम एक ही बीटी टॉक्सिन सब पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राय, सी आर वाई, क्राय नाम के एक जीन से कोडेड होता है, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन क्राय वन ए सी एंड क्राय टू ए बी बॉलवॉर्म, क्राय वन ए बी कॉर्न बोरर, ठीक है, क्राय वन ए सी क्राय टू ए बी, ये दो क्या कर रहे हैं, बॉलवॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है, क्राय वन ए बी क्या करेगा, कॉर्न बोरर करेगा, ठीक है, तो क्राय वन ए बी कॉर्न बोरर, क्राय वन ए सी क्राय टू ए बी कॉटन बॉलवॉर्म्स, ये चीज पी वाई क्यू भी रह चुकी है, तो यहां से सवाल आएगा ही आएगा नीट में, यहां से सवाल आना है। और आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म दिख रहा है, फ्यूली मैच्योर कॉटन बॉल दिख रही है। और आगे चलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में, यहाँ पे सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अ नेमाटोड मेलोडोजाइन इनकॉग्निटिया इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, ये बात याद रखो, किसकी बात बोली, मेलोडोजाइन इनकॉग्निटिया की, मेलोडोजाइन इनकॉग्निटिया ये क्या करता है, टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इफेक्ट करता है, रूट्स को इफेक्ट करेगा, बहुत बार वो पूछ लेंगे कौन सा बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट को वो इफेक्ट करेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई रूट्स को इफेक्ट करता है, ऐसे स्टेम फ्लावर ऐसे कुछ और मत बोल देना। कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, अ नोवल स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस, आर एन ए आई की वजह से उसको रोकने की कोशिश की गई थी। RNAi take place in all eukaryote organisms as a method of cellular defense. Again, ये चीज़ NEET के हिसाब से बहुत important है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है eukaryotes में होता है, ठीक है? Eukaryotes में होता है। All eukaryotes as a part of cellular defense. बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं क्योंकि वो लिख देते हैं एक PYQ में था carried out in all prokaryotes, ठीक है? और वो गलत हो जाता क्योंकि यार होता तो वो यूकैरियोट्स में, तो इसलिए एक एक सेल एक एक तुम्हें वर्ड पढ़ना जरूरी है। दोबारा देखो, आरएनआई टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग, ठीक है, साइलेंसिंग पे वर्क करेगा ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए, एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देगा ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, साइलेंसिंग,
साइलेंसिंग बेसिकली क्या होता है? साइलेंसिंग क्या होता है? तो साइलेंसिंग में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड कर देगा और ट्रांसलेशन रोक देगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन रोक देगा, तो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा कुछ, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जैसे ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल मतलब यहां से वहां ट्रेवल कर सकते हैं, दैट रेप्लीकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, आरएनए इंटरमीडिएट से वो रेप्लीकेट करते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट्स। ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस की गई जो नेमाटोड स्पेसिफिक थी, खाली नेमाटोड पे वर्क करती है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ऐसा किया गया कि खाली सेंस और एंटी सेंस आरएनए बने, ठीक है, इन द होस्ट सेल्स। द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनएआई। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे तो जोड़ के डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए बना दिया, जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर थे तो इसलिए वो जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए बना पाए, जिसने आरएनएआई, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट कर दिया, दस साइलेंस स्पेसिफिक आरएनए, तो स्पेसिफिक आरएनए को साइलेंस कर पाए थे। समझ आया, कॉम्प्लीमेंट्री थे तो इसलिए उन्होंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना पाए थे और इसलिए वो साइलेंस कर पाए थे। दोबारा यहाँ एक लाइन और देखो, ये लास्ट वाला पैरा दोबारा देखो। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, तो एग्रोबैक्टीरियम का काम क्या था, उसका काम सिर्फ एज अ वेक्टर ही रहा। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स मतलब वो जीन जो खाली नेमाटोड में काम करेगी, वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ऐसा प्रोडक्शन था कि खाली सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए द होस्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, फॉर्म्ड डबल स्टैंडर्ड डीएसआरएनए, तो दोनों ने मिलकर डबल स्टैंडर्ड डीएसआरएनए बना दिया, जिसने साइलेंस कर दिया एमआरएनए को ऑफ नेमाटोड। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए। ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट। तो इसका मतलब वो उस पौधे पर नहीं सर्वाइव कर पाया जहां आरएनएआई हो रहा था। ठीक है, वहां नहीं कर पाया जहां जो ट्रांसजेनिक था, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेट था। और आगे चलते हैं, यहाँ पे तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसी चीज का इन्होंने एक डायग्राम दिखा रखा है, फोटो दिखा रखी है। अब आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन पे क्या एप्लीकेशंस है? द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय एनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स। मास प्रोडक्शन में हेल्प कर दी है, बेटर ड्रग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर दी, सेफर ड्रग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर दी, विच आर मोर सेफ। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो मतलब रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देते बॉडी को, मतलब बॉडी उनसे रिएक्ट नहीं करती है। एज इज कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस। अगर आप नॉन ह्यूमन सोर्सेस से कोई प्रोडक्ट ले तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स उससे बॉडी दे ही देती है कोई ना कोई, जो कि गलत चीज है। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in India. 12 of these are presently being marketed. तो इंडिया में कितने? 12. All over the world, या फिर हम total कह सकते हैं कितना है? 30. ठीक है, ये चीज भी नीट के हिसाब से important है। अब आ जाते हैं genetically engineered insulin पे। इंसुलिन कैसे बनी और जेनेटिकल इंजीनियर करके हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया? मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। एडल्ट्स में जब डायबिटीज होती है तो उसके लिए आपको रेगुलर टाइम में इंसुलिन लेना पड़ता है। व्हाट वुड डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल? अगर यार इनफ ह्यूमन इंसुलिन नहीं होगी तो वो क्या करेगा बताओ? अगर इंसुलिन तो सर्वाइव के लिए चाहिए, उसे अगर इंसुलिन ही नहीं होगी तो क्या करेगा? मरेगा तो नहीं, तो फिर वो क्या करेगा?
एनिमल्स वगैरह से ले सकता है ना, लेकिन उससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, जो हमने यहाँ ऊपर देख लिया कि नॉन ह्यूमन सोर्सेज से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, तो इसलिए ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन बहुत जरूरी है। इफ यू डिस्कस दिस यू विल सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स, ये हमने देख लिया। वुड इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज सीक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी? नहीं, ह्यूमन बॉडी जितनी इफेक्टिव तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी अभी हमने देखा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका हो सकता है, ठीक है। वुड नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स? तो हाँ, करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, वो कह रहे इमेजिन करो अगर बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बना पाते, तो हमने यही काम किया। अब कैसे किया देखो, सडनली होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, यू कुड ईजली ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बैक्टीरिया होगा और इंसुलिन बना दो। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। तो पहले इंसुलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? पैनक्रियास से। किसके पैनक्रियास से? कैटल और पिग्स के पैनक्रियास से। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो वो ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग गए थे, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन सोर्सेज से था, ड्यू टू फॉरेन प्रोटीन था ना, नॉन ह्यूमन प्रोटीन था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है। तो इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ए और बी, चेन ए और चेन बी, दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है? चेन ए और चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो मैच्योर इंसुलिन की बात हो रही है, मैच्योर इंसुलिन में दो चेन्स होती है, चेन ए और चेन बी, और दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। इंसुलिन प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल यूजेबल हार्मोन के फॉर्म में नहीं होता है, पहले प्रो हार्मोन बनेगा, उसको एक्चुअल हार्मोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने देखा प्रोटॉक्सिन बन रहा था, प्रोटॉक्सिन को एक्चुअल टॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए था, तो यहाँ प्रो हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा चेन होती है जिसको हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट इज फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, समझ गए। विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच, एक एक्स्ट्रा चेन होती है कॉल्ड सी पेप्टाइड, ए और बी तो जुड़े होने ही चाहिए, सी बी इसमें होता है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो सी वाला पेप्टाइड हमें रिमूव कर देना मैच्योरेशन के समय, और मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। The main challenge for production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into mature form. तो यार main हमें जो दिक्कत आई वो यही थी कि mature form में insulin को बनाए कैसे, क्योंकि C वाली chain हम कैसे हटाए, खाली A और B को कैसे रखे, खाली ये दिक्कत आ रही थी हमें, ठीक है। अब हमने क्या किया 1983 में, ये चीज़ अगेन नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1983 में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, याद रखना, एली लिली अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंस, खाली दो ही डीएनए की सीक्वेंस बनाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, इंट्रोड्यूस देम इन प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई। तो इन्होंने क्या यूज किया था? प्लास्मिड यूज किया था, किसका? ई कोलाई का, याद रखना, ठीक है। प्लास्मिड यूज किया ई कोलाई का, प्लास्टिड से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इंसुलिन चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली प्रोड्यूस किया, एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन कर दिया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो एली लिली ने 1983 में क्या किया? दिमाग लगाया। इन्होंने बोला यार मैच्योर इंसुलिन में सी वाली चेन नहीं, हम समझ गए, तो हम सी वाली चेन बनाए क्यों? डायरेक्ट ए चेन बी चेन बनाते हैं प्लास्मिड में ई कोलाई में, और आगे जाके डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो जो इंसुलिन बनी वो ह्यूमन इंसुलिन थी और मैच्योर इंसुलिन थी, ठीक है। अब आ जाते हैं जीन थेरेपी में। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है, अगर कोई पर्सन हेरिडिटरी डिजीज से पैदा होता है, को लेके पैदा होता है, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज?
क्या अगर कोई हेरिडिटरी डिजीज लेके पैदा हुआ है तो कोई करेक्टिव स्ट्रेटेजी, करेक्टिव थेरेपी उसके लिए यूज की जा सकती है? जीन थेरेपी अटेम्प्ट टू डू दिस, जीन थेरेपी इसी को करने की कोशिश करती है। जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो वो ऐसा कलेक्शन ऑफ मेथड्स है जो चाइल्ड और एम्ब्रियो, छोटे बच्चे एम्ब्रियो में कुछ डिफेक्ट है तो उसको ठीक करने के लिए यूज होता है। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स, किसी आदमी के सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम जीन्स को, एंड टिश्यूज, या तो सेल या टिश्यू में इंट्रोड्यूस कर देंगे टू ट्रीट अ डिजीज। ठीक है, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो नॉन फंक्शनल या फिर लेस फंक्शनल जीन के फंक्शन को कंपनसेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अभी तबीयत खराब है, ठीक है, और मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं बीच में रुक गया, तो मेरी जगह किसी और को आना पड़ेगा लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ जीन्स है जो नॉन फंक्शनल है, फंक्शन ही नहीं कर रही, या फिर लेस फंक्शनल है, ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा ना, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, कंपनसेट कर पाए इसके काम को। जैसे मेरी तबीयत अभी खराब है, फिर भी मैं लगा पढ़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अभी और नहीं पढ़ा पाया तो मेरी जगह किसी और को एडअप होना ही पड़ेगा जो मेरी जगह पढ़ा पाए, तो इसको कह सकता हूं मैं कि कंपनसेट कर दिया मेरी जगह। ठीक है, नॉन फंक्शनल जीन को कंपनसेट कर दिया। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू 4 year ओल्ड गर्ल विद एडेनोसाइन डी अमीनेस ADA डेफिशिएंसी। सबसे पहली जीन थेरेपी किसको दी गई थी? 4 साल की एक लड़की को दी गई थी। सबसे पहली जीन थेरेपी 4 साल की एक लड़की को दी गई थी जिसे ADA की डेफिशिएंसी थी, एडेनोसाइन डी अमीनेस। ये चीज भी अगेन नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यूनो सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम बहुत एसेंशियल होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसाइन डी अमीनेस। एडेनोसाइन डी अमीनेस की जो जीन है वो डिलीट हो जाती है, इसलिए ये बीमारी होती है। ठीक है, इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा दिया जाए तो इसको हम क्योर एक्चुअली में कर सकते हैं। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बाकियों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, वो देखो। इन विच फंक्शनल ADA, मतलब मैंने क्या बोला, या तो जीन नॉन फंक्शनल है या ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें कुछ और बेटर फंक्शनल जीन देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे फंक्शनल ADA, ठीक है, एडेनोसाइन डी अमीनेस इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन से देते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ठीक है, ये कंप्लीटली क्यूरेटिव अप्रोचेस नहीं है, इसका मतलब बार बार तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ेगी, तो कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ है पर्सन, तो ये क्योर तो हुआ ही नहीं, ये तो बस तुमने प्रोलोंग कर दी बच्चे की लाइफ। एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर। पेशेंट का लिम्फोसाइट लेते हैं, ठीक है, जिसे कल्चर में ग्रो करते हैं बॉडी के बाहर। ये अगेन नीट में पूछा जा सकता है assertion reason में, ये चीज नीट में assertion reason में पूछ सकते हैं, लिम्फोसाइट लेते हैं, प्लेटलेट्स लेते हैं, क्या लेते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट लेंगे, कल्चर में बॉडी के बाहर ग्रो करेंगे। अ फंक्शनल ADA cDNA, ADA cDNA, ठीक है, ये यूज करते हैं यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। एक रेट्रोवायरल वेक्टर मतलब रेट्रोवायरस को यूज करके इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रेट्रोवायरसेस या फिर कैंसर कॉजिंग जो वेक्टर्स होते हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स को के लिए एज अ वेक्टर अच्छे से काम कर पाते हैं। इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। तो पहले लिम्फोसाइट्स निकाले बाहर पेट्री डिश या फिर कल्चर में, उन्हें ग्रो किया, उसके बाद उसके अंदर ADA का cDNA डाल दिया फ्रॉम रेट्रोवायरल वेक्टर्स, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके दोबारा पेशेंट के अंदर भेज दिया। हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। सही बात है भाई, ये सेल इमॉर्टल तो है नहीं, कभी ना कभी तो मरेंगे। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की एक लाइफ होती है। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल तो है नहीं,
तो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे, तो बार बार तुम्हें पेशेंट के अंदर ये डालना पड़ेगा। तो भाई क्या ये सही अप्रोच है, क्या ये बिल्कुल ही आइडियल अप्रोच है? नहीं, क्योंकि इसमें टाइम, एफर्ट्स, मनी सब कुछ स्पेंड होगा और बार बार, कोई क्योर नहीं है ये, बार बार तुम्हें डालना पड़ेगा। हाउएवर एक चीज है, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। तो अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम ये चीज इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, इफ द जीन सेल्स, ठीक है, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA, फंक्शनल ADA अगर हम ले लें और उनको इंट्रोड्यूस कर दें सेल्स में एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम कर देते हैं तो वो एक परमानेंट क्योर बन सकता है। अगर आप लेटर या एडल्ट ऑनसेट स्टेजेस में करोगे तो वो एक परमानेंट क्योर नहीं होगा, आपको पीरियोडिकली इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ डिजीज को क्योर करना है तो अर्ली पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस को पहले से ही परख लेना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे मेरी अभी तबीयत खराब है, ठीक है, अगर मेरी तबीयत खराब है तो मेरी नाक बह रही है, मेरी आवाज खराब हो गई है, मुझे थकान फील हो रही है, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म मेरी तबीयत खराब कर रहा है वो एक्चुअली बॉडी के अंदर इतना इफेक्ट ला चुका है कि मुझे उसका इफेक्ट दिख रहा है बॉडी में, समझे, मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर तुम्हें किसी डिजीज के सिम्टम दिखने लग गए, इसका मतलब वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इतना प्रोलिफरेट कर चुका है कि वो अब सिम्टम बनाने लग गया है। लेकिन अगर तुम्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ना है, अर्ली स्टेजेस मतलब वो स्टेजेस जब वो ऑर्गेनिज्म बॉडी में तो घुसा है लेकिन इतना प्रोलिफरेट नहीं किया कि कोई सिम्टम दिखा सके। जैसे अभी अगर मेरी तबीयत खराब है तो क्या पता डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कल परसों से मेरी बॉडी के अंदर हो, उसने पूरा टाइम लिया प्रोलिफरेट करने का। लेकिन अगर मैं कल परसों पता चल जाता मुझे कि तबीयत खराब हो रही है तो मैं दवाई ले लेता, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैंने सिम्टम्स का आने का वेट किया। तो बहुत सारे केसेस में सिम्टम्स का आना बहुत लेट हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखो, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। कन्वेंशनल मेथड क्या होते हैं, सीरम या फिर यूरिन का एनालिसिस। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ELISA या फिर PCR से अर्ली डायग्नोसिस आप कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस वगैरह इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड डिजीज सिम्टम। ये चीज हमने डिस्कस कर ली, जब तक सिम्टम नहीं बनेगा तब तक आप बता ही नहीं सकते। अभी मेरी तबीयत खराब है, मेरी नाक बह रही है, मेरी आवाज खराब हो गई है तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरी बॉडी के अंदर सिम्टम आ गया है। लेकिन अगर मुझे कल परसों पहले ही पता कर लेना होता तो फिर मुझे ELISA या PCR जैसी कोई चीज करनी पड़ती। मैं सिम्टम का आने का वेट नहीं कर सकता हूं, समझे, हमारे कन्वेंशनल तरीके सिम्टम के आने का वेट करते हैं। और आगे आते हैं, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। PCR क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा उनकी न्यूक्लिक एसिड को, एम्पलीफाई, वो देखा ना 30 साइकिल चलाने के बाद 1 बिलियन प्लस हो सकते हैं, तो वही चीज करेंगे। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV। PCR से HIV की डिटेक्शन अब रूटीनली होती रहती है। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स में यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स, जीन्स के अंदर म्यूटेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज होता है, एड्स के पेशेंट, HIV के पेशेंट्स के लिए भी यूज होता है। अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोब। प्रोब क्या होता है पूछ सकते हैं, अगेन डीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा कहीं भी जाके जुड़ जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA, ये भी जरूरी नहीं है सिर्फ DNA या सिर्फ RNA हो, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, रेडियो एक्टिव क्यों, ताकि उसे हम ट्रेस कर सके। अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे होगा, यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी।
तो प्रोब की डिटेक्शन कैसे होगी? ऑटो रेडियोग्राफी। डिटेक्शन के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है। क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। जिसके पास म्यूटेटेड जीन होगी वो अपीयर ही नहीं होगा, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद म्यूटेटेड जीन। क्योंकि म्यूटेटेड जीन के साथ प्रोब की कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होगी, तो उसके साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। एलिसा, ये वाला लास्ट का पैरा जो तुम्हारा है, ये वाला लास्ट का पैरा जो है, ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीट में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको मिस आउट मत करो। एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। बहुत सारे एसर्शन रीजन यही से पूछेंगे, एलिसा किसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन के लिए एलिसा यूज होता है कि नहीं होता है। एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन, ये कौन यूज करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन का प्रिंसिपल इज अ बेसिस फॉर किस टाइप ऑफ डिटेक्शन, तो एलिसा। तो ये बात याद रखना, एलिसा काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, ठीक है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी के लिए एलिसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह एंटीजेंस होते हैं, डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट पैथोजेंस। अब आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। Animals that have their DNA manipulated to possess or express an extra or foreign gene is known as transgenic animals. ऐसे animals, ठीक है, ऐसे animals जिनका DNA हमने manipulate किया है ताकि extra gene या foreign gene को हम कर सकें, तो उस वजह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। Transgenic rats, rabbit, pig, sheep, cow, fish have been produced. तो transgenic rat, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, ये सब हम प्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑल दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एनिमल्स आर माइस। ये बात याद रखो, ओवर 95% ऑफ जो भी एनिमल्स हम यूज करते हैं वो क्या है, माइस है, चूहे। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। हम रीजंस पे आ गए, वो कौन से रीजन है कि हम ऐसे जेनेटिकली या मॉडिफिकेशन के लिए ऐसे एनिमल्स यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हमने एनिमल्स क्यों बनाए, हमने कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए जो डिजीजेस के लिए थोड़े से ज्यादा क्या बोले, बहुत इजीली इफेक्ट दिखा दे डिजीजेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजीज है ह्यूमन बॉडी में, वो डिजीज 2 से 3 हफ्ते में इफेक्ट दिखाएगा, तो हमने ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जिनमें वो 24 आवर्स के अंदर या फिर 1-2 घंटे के अंदर ही इफेक्ट दिखा दे। ऐसा क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एनिमल्स क्यों यूज करें हमने, लाइफ साइकिल की बात है, छोटी लाइफ साइकिल है। सेकेंडली, हमें सेफ्टी देखनी है कि ह्यूमन्स पे डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते हम कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन, तो वही सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। पहली चीज, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। स्पेसिफिकली हम उन्हें इसी चीज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये देखने के लिए जीन्स कैसे रेगुलेट होती है, हाउ दे इफेक्ट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी और डेवलपमेंट होता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing genes from other species that alter formation of factor, studying the biological effect, the result information is obtained. मतलब हम माउस जैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे इफेक्ट ला सकते हैं कि पहली बात तो वो जल्दी से इफेक्ट दिखा दे, दूसरी चीज वो ह्यूमन जैसा इफेक्ट दिखा दे, ह्यूमन वाली जीन्स जो इफेक्टेड है वो सब उनमें इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। सेकेंड बात है स्टडी ऑफ डिजीजेस। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to development of diseases. Genes से diseases में क्या contribution आता है, ये पढ़ने के लिए भी use होते हैं, ठीक है। These are specially made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatment diseases is made, ठीक है। Today transgenic models exist for many human diseases. बहुत सारे ह्यूमन डिजीजेस के लिए ऑलरेडी हमने ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना लिए, ऐसे मॉडल्स जो ह्यूमन डिजीजेस को मिमिक कर सकते हैं ताकि हम उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनका क्योर निकाल सकें। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और इवन एल्जाइमर जैसे,
एल्जाइमर जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो तुम्हें पता है ट्रांसजेनिक कुछ एनिमल्स हैं जिनका हमने ब्रेन ऐसा कर दिया कि वो ऑनसेट ऑफ एल्जाइमर्स जो कि यूजुअली एक सर्टेन एज के बाद दिखता है वो जल्दी दिखाने लग जाए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल अगर 3-4 साल की है, 10 साल की है, तो वो 6 साल के बाद दिखाए। हम चाहते हैं एकदम अभी दिखाए। तो उसके ब्रेन को, उसकी फिजियोलॉजी को ऐसे ऑल्टर कर दिया हमने। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स रिक्वायर टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाने, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन विच कोड फॉर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अब इन्होंने क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल से हम अपने मतलब की चीजें भी बनवा सकते हैं। जैसे हमें ह्यूमन प्रोटीन चाहिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये चीज अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ये करता क्या है, यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है लंग्स का, टिश्यू का, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या करेगा, एम्फाइसीमा को ट्रीट कर सकता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। फिनाइल कीटोन्यूरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी ऐसे बनाए गए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी बनाए गए हैं। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी, कब थी, 1997 में, ठीक है, ये प्रोड्यूस की गई। क्या यूज था इसका, वो प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाने के लिए रोजी, पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई 1997 में। याद रखना यार ये नाम, वो काउ का नाम पूछ लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी, रोजी थी, ठीक है। 2.4 ग्राम पर लीटर इतना ह्यूमन प्रोटीन उस मिल्क में था। मिल्क कंटेन्ड ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन, ठीक है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन ये था उसके अंदर, ठीक है। न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट देन नेचुरल काउ मिल्क, तो ह्यूमन मिल्क को तो कंपीट नहीं कर सकता वो, ठीक है, नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट होती है, लेकिन हमारे बाकी गाय के मिल्क से डेफिनेटली बेटर था ह्यूमन बेबीज के लिए। अब आ जाते हैं वैक्सीन की सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स, मतलब पहले वैक्सीन को उनके ऊपर टेस्ट कर लो, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग, जिसकी हमने पहले इतनी रिसर्च कर ली। अब क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं वो, ठीक है, टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए उनको थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। वही मैंने बोला, हम पे अगर थोड़ी ज्यादा प्रोलॉन्ग केस के बाद इफेक्ट दिखाएगा तो उन पे तुरंत इफेक्ट दिखा देगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम, जल्द से जल्द रिजल्ट दिखा देगा। अब आ जाते हैं एथिकल इश्यूज में। अब तुमने ये सब डिस्कस करते हुए सोच ही लिया होगा कि भैया ये ठीक तो नहीं लग रहा यार, ये एथिकल इश्यूज तो है, ऐसे जानवरों के ऊपर ये सब थोड़ी कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर, ऐसी हम कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। विदाउट रेगुलेशन सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली जरूरी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, कुछ भी नहीं करते रहेंगे। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत जरूरी होती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम। सपोज हमने एक ऐसा डॉग बनाया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, लेकिन इकोसिस्टम पे डालने के बाद, बाहर छोड़ने के बाद हमने ये देखा कि यार ये तो बाकी सारे डॉग्स, बाकी सारे प्रेडेटर्स पे हमला करने लग गया। वो तुमने मूवी देखी है कौन सी, जुरासिक वर्ल्ड करके, जिसमें वो प्राचीन काल का उन्होंने एक ऐसा डायनासोर बना दिया था जो जरूरत से ज़्यादा स्ट्रांग था, अब बाहर जाके वो सबको मार रहा था।
तो वही चीज हो गई, हम अनप्रिडिक्टेबल रिसर्च होगी ना, हम ऐसा बता ही नहीं सकते कि इकोसिस्टम में जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा. देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC. GEAC अगेन नीट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च के बेसिस पे ये काम करेगा. सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज. क्या GM ऑर्गेनिज्म जो रिसर्च करके बनाया गया वो ट्रूली सेफ है, वो पब्लिक सर्विसेज के लिए, कंजम्पशन के लिए या उनके बाय प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए सेफ है. मॉडिफिकेशन और यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम. अब पेटेंट्स के ऊपर भी बहुत दिक्कत आ गई है. तुम्हें पता होना चाहिए इंडिया कितना महान देश था, हमारा देश कितना महान देश था. हमारे देश में ही सब कुछ सबसे पहले हुआ था, इंडिया में ही, भारत में ही सबसे पहले हमने देखा कि बासमती राइस हो गई, टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गई, ये सारी चीजें हमें इंडिया में पहले पता थी, कितने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं. लेकिन अमेरिका जैसे देश फालतू की ऐसी इंडिया की चीजों को लेके चुरा के पेटेंट करके बोल रहे ये तो हमारी है हमने ढूंढा. तो चोर भरे पड़े दुनिया भर में. अमेरिका जैसे देश, बड़े बड़े देश इंडिया आके इंडिया की चीजें उठा के थप्पा मार के बोल रहे तो हमने देखी, कितनी गलत बात है. तो इसलिए पेटेंटिंग बहुत जरूरी है. बायोपायरेसी कहते हैं इसको. बायोपायरेसी मतलब किसी और देश की ऐसी चीज उठा लेना जो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, उनके कल्चर के लिए सिग्निफिकेंट है, उठा के बोल देना ये तो हमने इजाद करी हमने ढूंढी. तो इस चीज में बायोपायरेसी, जिसको बायो चोरी बोल सकते हैं, इसमें अमेरिका बहुत आगे है. ठीक है, और आगे चलते हैं. देर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, पब्लिक में गुस्सा है, जैसे मेरे अंदर गुस्सा है कि अमेरिका ने क्या कर दिया है, दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लांट अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री. बहुत समय से इंडिया में यूज हो रहे थे, फिर भी अमेरिका जैसे देश क्लेम करने लगे हमने ढूंढे हमने ढूंढे. राइस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ बैक तक चलता है एशिया में. ठीक है, 200,000 से ज्यादा वैरायटी है इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही राइस की 200,000 से ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है. डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. बासमती राइस हर कोई खाता है, तुमने भी नाम सुना होगा बासमती राइस का, राइट, बासमती राइस का नाम तो सबने सुना है. बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर. 27 documented variety of basmati are grown in India. 27 documented basmati variety इंडिया में पाई जाती है, documented है. ठीक है, और ज्यादा भी हो सकती है लेकिन हमें 27 के बारे में ही पता है. 27 documented variety of basmati इंडिया में पाई जाती है. There is reference to basmati in ancient text, folklore and poetry. basmati इतने टाइम से हम खाते आ रहे हैं, हमारे ancient ग्रंथों में, हमारे एंशियंट कहानियों में, हमारे एंशियंट पोएट्री में, हमारे एंशियंट लिटरेचर्स में भर भर के लिखा है बासमती यूज की, बासमती खाई, राजा को खिलाई, बासमती है बासमती वो. 27 से ज्यादा वैरायटी ऑफ बासमती इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है, 200,000 से ज्यादा वैरायटी ऑफ राइस इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है, फिर भी अमेरिका जैसी कंट्रीज बोल रही है बासमती हमने किया. देखो, थाउजेंड ऑफ सेंचुरी से ग्रो हो रहा था. अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. समझ रहे हो, अमेरिका को क्यों मिला पेटेंट, जबरदस्ती अपने US ऑफिस में अप्लाई कर दिया, खुद ही ने लाइसेंस वहां का ले लिया, खुद ही ने ट्रेडमार्क ले लिया, फालतू का बैठ के अप्लाई कर रहे हैं मजे. ठीक है, दिस यूज द कंपनी टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ बासमती US एंड अब्रॉड में करने लगे. दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटीज. इंडियन बासमती वॉज क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज क्लेम्ड एज इन्वेंशन और नोवेल्टी. क्या इन्वेंशन और नोवेल्टी थी? नहीं थी, इंडिया की उठा ली पर फिर भी है, अपना ट्रेडमार्क कर लिया और बोलने लगे कि पेटेंट है हमारे पास, हम ही सोल मोनोपोली करेंगे, हम ही बेचेंगे, जो कि गलत चीज है. ठीक है, पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट. कि हम बेचेंगे तुम नहीं बेच सकते. सेवरल अटेम्प्ट्स have also been made to patent users, products and practices based on Indian traditional herbal medicines.
हमारी हर्बल मेडिसिन्स पे भी पेटेंट करना चाह रहे हैं। टर्मरिक, नीम, भाई टर्मरिक और नीम जैसी चीजों में पेटेंट करना चाह रहे हैं लोग, जो हमारे यहाँ हजारों सालों से चलता आ रहा है। अगर हम विजिलेंट नहीं रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो लोग यही हमारा मिसयूज करते रहेंगे। बायोपायरेसी क्या होता है? रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, अदर एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये नीट में आ सकता है। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन कोई यूज कर ले, जैसे बायोपायरेसी कहते हैं, फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, कोई पेमेंट भी ना दे, कुछ करे भी ना, सीधा उठा के यूज करने लग जाए, जैसे बायोपायरेसी कहते हैं। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, जैसे अमेरिका। अमेरिका जैसे नेशंस अपने फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है, पैसा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है उनके अंदर, ट्रेडिशनल नॉलेज कुछ भी नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज कितनी रिच है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप वर्ल्ड रिच इन बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस, तो एक्सप्लॉइट करके मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाई जा सकती है। हमारे ट्रेडिशनल तरीकों को सीख लिया, बस उनको आज की डेट में यूज कर दिया, बोला हमने ईजाद किए, समझ गए। कैन बी ऑल्सो यूज टू सेव टाइम एफर्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन, तो कमर्शलाइजेशन करने में कुछ दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कैसे यूज करना है। देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस इनएडिक्वेट कंपनसेशन बेनिफिट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलता, कंट्रीज को कंपनसेशन नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलते, ना ही पैसा मिलता है, इनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के साथ, ठीक है। सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन, कुछ नेशन ऐसे लॉज बना रहे हैं जिनकी वजह से हम ये नहीं करेंगे, बाकी देश हमारे साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी नीट में आ सकता है। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, क्या इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट्स बिल का, यस या नो, तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, जल्दी से हमने कर लिया।